बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए के घटक दलों की अहम बैठक होने जा रही है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार के पास बहुत कम बहुमत है। उन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर 2017 में महागठबंधन से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में जाने के लिए लोगों के जनादेश के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ कहा कि बिहार की जनता अब जाग गई है। मनोज झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां तक कि एनडीए और भाजपा को भी मानना चाहिए कि अगर यह बदलाव के लिए जनादेश नहीं होता तो नीतीश कुमार राज्य विधानसभा में सिर्फ 40 सीटें नहीं जीतते और कम बहुमत वाली सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजद ने पहले ही कम वोट मार्जिन के बारे में भारत के चुनाव आयोग से संपर्क किया है और आने वाले दिनों में जवाबदेही की मांग करते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर आने की चेतावनी दी है।